Hello and welcome back everyone to chemistry classes. In this video, I am going to start with one of the most important topics that will not only help you in your academic exams but also in your different entrance examinations and also in your interviews. So, this topic is molecular spectroscopy. So I am starting with molecular spectroscopy. So first of all, what is molecular spectroscopy? When electromagnetic radiation or wave, when your electromagnetic radiation or wave will interact with मैटर और वो मैटर हमारा यहाँ पे क्या है, वो मैटर हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूल है. जब भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक मैटर जो हमारे इस वाले केस में मॉलिक्यूल है उसके साथ इंटरेक्ट करेगी, देन वी विल गेट अ स्पेक्ट्रा. और इसी स्टडी को हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं. तो अभी हमें ये जानना है कि हम यहाँ पे जैसे मॉलिक्यूल को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल से अलग भी और कोई स्पेक्ट्रा हो सकता है. तो हमारे पास जैसे एक एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है, बट अभी वी आर कंसर्न विद द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे देन वी विल बी कंसर्न दैट हाउ दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी विल हेल्प अस इन नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ दैट मॉलिक्यूल. तो अभी जैसे हम यहाँ पे एक बात आई कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है, तो बेसिकली एक जनरली क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो जो हमारी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो भी हमारे एटम के अंदर एनर्जी चेंजेस आएंगे दे विल बी एसोसिएटेड ओनली विद द इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स. इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स ओनली, बट जो हमारे मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी चेंजेस आएंगे वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्लस वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल. मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है. इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स में भी चेंज आ सकता है, वाइब्रेशनल लेवल्स में भी चेंज आ सकता है, रोटेशनल लेवल्स में भी चेंज आ सकता है. तो इसीलिए जो जनरली हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होता है दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा. एंड इट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड इट टेल्स मोर अबाउट द मॉलिक्यूल. मतलब एक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा हमें ज्यादा जानकारी देता है एज कंपेयर टू द एटॉमिक स्पेक्ट्रा. ऐसा नहीं है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा कम जानकारी देता है, बट अगर हम कंपेरिजन करें तो एक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा हमें ज्यादा जानकारी देता है किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में. तो ये डिफरेंस है एटॉमिक स्पेक्ट्रा और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में. एटॉमिक स्पेक्ट्रा वी विल आल्सो डिस्कस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, बट नाउ वी आर कंसर्न्ड विद मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो अब इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली इस वीडियो में आज मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दूंगा कि क्या क्या हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे. आज का जो ये लेक्चर है ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें आई विल कोइन सम टर्म्स एंड फिर उन टर्म्स को डिटेल में हम अगले लेक्चर से पढ़ेंगे. तो जब हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो जनरली एक स्पेक्ट्रा हमें मिला, तो एक स्पेक्ट्रा हमें कब मिलता है? सपोज एक स्पेक्ट्रा है, हमने बोला कि हमें एक स्पेक्ट्रा मिला, वो हमें कब मिलता है? तो एक्चुअली जैसे लास्ट सेंचुरी में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे पाए गए जिनसे हमें पता चला कि जब भी हम मैटर की बात करते हैं और हम मैटर को कोई एनर्जी देंगे तो बेसिकली जो मैटर है वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता है. मतलब वो एक कंटिन्यूअस एनर्जी को नहीं लेता, क्योंकि जो हमारा मैटर है उसके अंदर हमारे जो लेवल्स हैं देयर आर डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स. सपोज ये हमारा E1 है और ये हमारा E2 है,
ऐसे नहीं है कि कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स हैं और आप एक एनर्जी देंगे तो मॉलिक्यूल पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। एनर्जी मतलब वैल्यू, कि सपोज 1 kJ, 2 kJ, 3 kJ, ऐसा है कि मैटर के अंदर हमारे पास डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स हैं और सपोज इस एनर्जी लेवल का जो गैप है वो डेल्टा ई सपोज 1 kJ है। तो अगर आपने एक रेंज ऑफ एनर्जी दी जिसमें 1 से लेके 10 kJ तक की सारी एनर्जी सारे एनर्जी पॉसिबल थे, तो ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये सिर्फ 1 kJ वाली एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करेगा, ना ये 0.5 वाली को करेगा ना ये 2 kJ वाली को करेगा। तो इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूअस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। पहले ये हमारा मिसकंसेप्शन था, हमें ये लगता था कि कंटिन्यूअस एनर्जी मैटर एब्जॉर्ब करता है, बट बाद में काफी सारे एक्सपेरिमेंट से ये बात हमें क्लियर हुई कि ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूल के अंदर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट हैं। अब जो ये हमारे एनर्जी लेवल्स हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स भी हो सकते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स भी हो सकते हैं और ये हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी हो सकते हैं। तो जो ये हमारी एनर्जी है डेल्टा ई, दिस इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी, बेसिकली दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो जैसे हमारा एनर्जी लेवल है तो ये बेसिकली एक पर्टिकुलर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जब हम इसे देंगे तभी ये हमारा एब्जॉर्ब होके ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जाएगा। तो ये एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन आप कैसे निकालेंगे, डेल्टा ई बाई एच। इसकी यूनिट क्या है, बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट है सेकेंड इनवर्स, और ये जो हमारा डेल्टा ई है दिस इज इन जूल्स अगर हम एसआई यूनिट में यहाँ पे बात करें। तो ये हमारा डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स है। अब ये जो एनर्जी लेवल्स हैं और जो ये चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई है, ये हमारा वाइब्रेशनल लेवल्स में एक अलग ऑर्डर का होता है, रोटेशनल में एक अलग ऑर्डर का होता है, और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं तो इसमें इसका ऑर्डर अलग होगा। ऑर्डर मतलब जो एनर्जी की क्वांटिटी है, अगर हम एनर्जी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो मैग्नीट्यूड एनर्जी का जो चेंज है वो हमारा अलग अलग लेवल्स के बीच में अलग अलग ऑर्डर का होता है। उसी बेसिस पे हमारा एक स्पेक्ट्रम डिजाइंड है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बेसिकली ये जो स्पेक्ट्रम है ये हमारा एक वाइड रेंज ऑफ एनर्जीज है जिसमें हमने एक अलग अलग जोन को अलग अलग नाम से स्पेसिफाई किया है, जैसे गामा रेज, देन एक्स रेज, देन अल्ट्रावायलेट रेज, देन विजिबल, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। और जैसे जैसे हम गामा से रेडियो वेव्स की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे हमारी जो लैम्डा है, हमारी जो वेवलेंथ है वो हमारी इंक्रीज होती है, और जो हमारी एनर्जी है वो हमारी डिक्रीज होती है। एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जैसे जैसे हम गामा से रेडियो वेव्स की तरफ मूव करेंगे तो हमारी वेवलेंथ इंक्रीज होती है और हमारी एनर्जी डिक्रीज होती है। तो बेसिकली जो ये एक पूरा रेंज है एनर्जी का, ये एनर्जी रेंज मॉलिक्यूल को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करती है, और जिस हिसाब से ये हमारे मॉलिक्यूल को अफेक्ट करेगी वही चीज हम उस मॉलिक्यूल की स्टडी कर पाएंगे। जैसे जब हम गामा रेज की बात करते हैं तो बेसिकली गामा रेज की जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा हाई है दैट इट कैन चेंज द मॉलिक्यूल एट न्यूक्लियर लेवल। तो गामा रेज से बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं, गामा रेज से हम स्टडी करते हैं चेंजेस एट न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जब भी हम न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन के चेंजेस को स्टडी करेंगे तो हम गामा रेज का यूज करेंगे। जो हमारा एक्स रेज और हमारा अल्ट्रावायलेट रेज है, बेसिकली दीज आर यूज्ड टू स्टडी चेंजेस एट चेंजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन।
जो हमारा एक्स रेज और हमारी अल्ट्रावायलेट रेज है दे आर यूज्ड टू स्टडी द चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। और जो हमारी विजिबल रेंज इज ऑल्सो यूज टू स्टडी द चेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम इंफ्रारेड रेज की बात करते हैं तो इंफ्रारेड रेज आर यूज टू स्टडी चेंज ऑफ कॉन्फिग्रेशन। कैसी कॉन्फिग्रेशन वो हम आगे देखेंगे, बट जो हमारी इंफ्रारेड रेज वेव्स हैं वो हमें मॉलिक्यूल की कॉन्फिग्रेशन में क्या चेंज आया है वो हमें बताती है। और जो हमारी माइक्रोवेव्स हैं दे आर यूज्ड टू स्टडी चेंज ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब माइक्रोवेव्स जब हम किसी भी मॉलिक्यूल पे डालते हैं तो मॉलिक्यूल अपना ओरिएंटेशन चेंज करता है। तो जब भी हमें मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन में चेंज स्टडी करना है तो हम माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। और माइक्रोवेव्स में जब हम थोड़ा रेडियो वेव्स की तरफ मूव करते हैं तो अ स्मॉल पार्ट ऑफ माइक्रोवेव एंड ऑल्सो रेडियो वेव इट इज यूज्ड टू स्टडी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर स्पिन, चेंज ऑफ स्पिन। जब भी हमें न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉनिक स्पिन चेंज को स्टडी करना होता है देन वी यूज सम पार्ट ऑफ माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, जिसे हम ESR NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो बेसिकली ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो हमें मॉलिक्यूल की जानकारी देता है। तो इसका अलग अलग पार्ट अलग अलग मॉलिक्यूल के अलग अलग चीज के बारे में हमें बताता है। तो हमें पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कुछ ना कुछ हेल्प करता है मॉलिक्यूल की स्टडी करने के लिए। अभी हम जो बेसिकली डिटेल्ड में पढ़ेंगे वो जनरली इस पे हम फोकस करेंगे इंफ्रारेड पे और माइक्रोवेव में। तो अभी जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ स्टडी होगा वो हमारा होगा एक माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स बेसिकली जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी को राइज करते हैं वो है हमारी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये हम मेनली फोकस करेंगे इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स का जो मेन यूज है दैट इज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने बोला था ना कि इंफ्रारेड वेव्स क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा वाइब्रेशन के बेसिस पे चेंज होता है। तो जब भी हम मॉलिक्यूल को इंफ्रारेड वेव्स के करेस्पोंडिंग एनर्जी देंगे तो बेसिकली देयर विल बी अ वाइब्रेशन इन द मॉलिक्यूल्स। तो हम उसे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर स्टडी करते हैं। और एक हमारी और स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो इन्हीं दोनों के अंडर स्टडी की जाती है, दैट इज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इन तीन पे हमारा मेन फोकस रहेगा, माइक्रोवेव से रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हमें स्पेक्ट्रा मिलता क्यों है। अभी हमने सबसे पहले यही बात करी थी कि जब भी हम अपने मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे, जो मैटर पे डालेंगे, जो हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूल है, देन इट विल इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जब उनका इंटरेक्शन होगा तभी हमें एक स्पेक्ट्रा मिलेगा और उस स्पेक्ट्रा की स्टडी से हम बता पाएंगे कि हमारा मॉलिक्यूल कैसा है। तो उनका मेन पॉइंट क्या है कि पहले इंटरेक्शन होना जरूरी है, इंटरेक्शन होना जरूरी है हमारे मॉलिक्यूल के बीच में किसके साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। अब बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, बेसिकली जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कोई भी हमारी वेव फॉर्म होती है तो वेव फॉर्म को जनरली हम कैसे मैथमेटिकली शो करते हैं, दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। हम ऐसे किसी भी वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। तो सिमिलरली जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो बेसिकली ट्रेवलिंग वेव है, ट्रेवलिंग वेव। तो बेसिकली जब हम ट्रेवलिंग वेव की बात करेंगे तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, और जब हम इसे मॉडिफाई करेंगे तो वी विल गेट y इक्वल ए साइन थीटा की जगह ओमेगा टी, वेयर गामा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड टी इज द टाइम।
और फर्दर जब हम इसे आगे मॉडिफाई करेंगे कैसे, जैसे गामा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, वेयर दिस न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एंड ऑल्सो यू कैन यूज द क्लासिक रिलेशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम. हियर आई एम रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी एज ए स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं. और जब आप इन चीजों को फाइनली इसमें रीअरेंज करोगे तो हमारे पास जो ट्रेवलिंग वेव की एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है दैट इज समथिंग लाइक दिस, ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा सी इक्वल न्यू लैम्डा, यू कैन ऑल्सो यूज दिस रिलेशन. तो इसे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे एक ग्राफ पे तो बेसिकली हमें पता चल रहा है कि एक साइन वेव की तरह है. तो बेसिकली जो हमारी ट्रेवलिंग वेव है, अगर यहाँ पे मैं वाई डिस्प्लेसमेंट बनाऊं और मैं इसकी स्टडी करता हूँ इसके डिस्टेंस के साथ, बेसिकली ट्रेवलिंग वेव की सिग्निफिकेंस कब बनेगी, जब हम उसका डिस्प्लेसमेंट का स्टडी उसके डिस्टेंस ट्रेवल्ड के साथ करेंगे, तो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस ऐसे. तो बेसिकली जो हमारी ट्रेवलिंग वेव का नेचर है वो हमारा कुछ साइन वेव ऐसे है. अब इस वेव को हमारे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करना है, तो अब हम मॉलिक्यूल लेते हैं. अभी मैं इसमें आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं, तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है और कब नहीं करता है, और करता है तो क्यों करता है. तो सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये स्टडी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, माइक्रोवेव्स का. तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जब भी हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो हमारा जो मॉलिक्यूल है ना उस मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट. तो इसका मतलब क्या हुआ, सपोज आपका HCl है, इसमें आपके पास एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है, तो HCl मॉलिक्यूल आपका माइक्रोवेव एक्टिव बोला जाता है. बट सपोज आप बात करोगे H2 Cl2 N2 इन सब मॉलिक्यूल्स की, तो इनके अंदर तो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं है, तो इसीलिए इन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं माइक्रोवेव इनएक्टिव. अब हम यही समझते हैं कि ये मॉलिक्यूल माइक्रोवेव एक्टिव क्यों हुआ और ये मॉलिक्यूल हमारा माइक्रोवेव इनएक्टिव क्यों हुआ. तो अभी हम HCl की बात करते हैं, तो इसमें है परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, तो इसका मतलब इट परमानेंटली एक्ट्स एज अ डाइपोल. तो अगर हम इसमें चार्ज सेपरेट करें तो Cl बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैज डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड H इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो इट हैज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. दिस इज पार्शियल चार्ज जनरेशन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा एक डाइपोल क्रिएट हुआ है. तो इस मॉलिक्यूल को मैं कैसे बना सकता हूँ, इसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ऐसे, ये हमारा HCl मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन हो गया. तो हमारे पास यहाँ पे एक HCl मॉलिक्यूल है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हम रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी कर रहे हैं, तो जो हमारा मॉलिक्यूल है वो हमारा रोटेट करना चाहिए. सो वी विल रोटेट इट, रोटेट द मॉलिक्यूल. तो सपोज आपने इसे रोटेट किया और आपका जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो है आपका दिस क्लॉकवाइज, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. तो जब आप इसे रोटेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले आपको ये मिलेगा, फिर आपने इसे फर्दर रोटेट किया तो आपको ये मिला, फिर आप इसे फर्दर रोटेट करेंगे तो आपको वो मिलेगा. अब जो हमने ये रोटेशन किया है इसमें, अब हम बेसिकली हर स्टेज पे इसके डाइपोल मोमेंट को देखते हैं. अगर हम इस पॉइंट पे इसके डाइपोल मोमेंट का बात करें तो इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे है. केमिस्ट्री में बेसिकली जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो कैसे डिफाइन की गई है, कि जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसी तरफ हमारा डाइपोल की डायरेक्शन होगी, तो इसीलिए ये डाइपोल की डायरेक्शन यहाँ पे है. अगर हम इधर बात करें तो ये हमारा ऐसे हो गया, फिर इसमें बात करें तो ये हमारा ऐसे हो गया, इसमें बात करेंगे तो हमारे डाइपोल की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी. अब
दिस इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल। अब हम इस डायपोल के कंपोनेंट को, कंपोनेंट ऑफ डायपोल, इसे अगर हम स्टडी करते हैं टाइम के साथ, तो बेसिकली क्या हुआ, आपका पहले यहां पे था नीचे की तरफ, तो सपोज आपका डायपोल यहां पे था, फिर जब टाइम के साथ आप आगे रोटेट हुए तो बेसिकली आपका डायपोल आपका यहां पे बन गया, फिर बाद में वो ऊपर की डायरेक्शन मतलब यहां पे आ गया, और फिर उसके बाद वो फिर यहां पे आ गया। तो देखा जाए ऐसे ही अगर हम आगे रोटेट करते रहेंगे तो क्या होगा, अगली बार रोटेशन के बाद नेगेटिव नीचे आएगा तो ये फिर से ऐसा बन जाएगा, तो इसका मतलब जो डायपोल होगा वो फिर से यहां पे आएगा और फिर ये ऐसे, तो बेसिकली ये ऐसे मूव कर रहा है। अभी हमने पीछे देखा था कि जो हमारी ट्रेवलिंग वेव थी उसका नेचर भी कुछ ऐसा ही था जैसा हमें यहाँ पे HCl मॉलिक्यूल के रोटेशन से मिला है। यहाँ पे हमारा इसका नीचे की तरफ है, फिर यहाँ पे आया, फिर इसका जो डायपोल है वो मैग्नीट्यूड उतना ही है बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो वो इतना यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो बेसिकली अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे तो ये आपका साइन वेव फॉर्म में आ गया है, ऐसा ही आपका ट्रेवलिंग वेव का नेचर था। तो ये चीज जरूरी है मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इंटरेक्शन के लिए। ये जो इसका नेचर आया है, मतलब जब हमने HCl मॉलिक्यूल को माइक्रोवेव दी तो ये रोटेट हुआ, और इसके रोटेट होने से इसके डायपोल मूवमेंट में जो चेंज, जो इसमें एक परमानेंट डायपोल ऑलरेडी था बट जो उस उसका जो डायपोल का कंपोनेंट है वो जो हमारे टाइम के साथ वेरी कर रहा है जब हम इसे माइक्रोवेव इसके ऊपर डालते हैं, तो ये ऐसा हमें कुछ वेरिएशन, बेसिकली इसका डायपोल मूवमेंट का जो चेंज है वो हमें कुछ ऐसा देखने में मिलता है विच इज सिमिलर टू द ट्रेवलिंग वेव, विच इज सिमिलर टू द नेचर ऑफ द ट्रेवलिंग वेव, जिसकी वजह से दिस HCl मॉलिक्यूल जब हम उस पर माइक्रोवेव डालेंगे तो इट विल इंटरेक्ट विद दैट माइक्रोवेव और हमें एक स्पेक्ट्रा मिलेगा जिसे हम स्टडी कर पाएंगे। अब अगर आप ऐसे ही H2Cl2N2 देखें, तो अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बनाएं, ये H2 हो गया, अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो है नहीं जिसकी वजह से ये डाइपोल की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो अगर माइक्रोवेव, सपोज आप इसे घुमाते रहें HH, फिर ये घुमा, आपने इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन दिया, अब इसमें डाइपोल तो है नहीं, तो जब इसमें डाइपोल नहीं है तो इसका जो कर्व होगा वो तो बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाएगा, वो ऐसे नेचर का नहीं होगा। तो अगर वो फ्लैट होगा सो इट विल नॉट बी एबल टू इंटरेक्ट विद द माइक्रोवेव। अब H2Cl2N2 अपने इस फ्लैट नेचर की वजह से रोटेशन में दे कैन नॉट इंटरेक्ट विद द माइक्रोवेव एंड हेंस दे आर टर्म्ड एज माइक्रोवेव इनएक्टिव। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि माइक्रोवेव एक्टिव होने के लिए हमारे पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट की जरूरत है। अब सिमिलरली ये तो हो गया जैसे माइक्रोवेव, तो अभी हमें एक ब्रीफ व्यू मिल गया कि माइक्रोवेव एक्टिव होने के लिए हमारी मस्ट कंडीशन क्या है। इसे ज्यादा डिटेल में हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे, बट अभी हम मूव करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ। ये स्टडी करने के लिए हमें किस पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम की जरूरत पड़ती है, इंफ्रारेड। तो बेसिकली आप देखेंगे जब हम आगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो उसमें हम ये बोलते हैं कि मॉलिक्यूल, देखो जब हम इंफ्रारेड डालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर तो इट वाइब्रेट्स, वो रोटेट नहीं करा सकता बट वो मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करा सकता है। तो अब वही चीज है कि जब वो वाइब्रेट कर रहा है तो उस समय उसके डायपोल मूवमेंट में चेंज आना चाहिए। तो इसमें अब ये हमारी कंडीशन खत्म हो गई कि हमारे पास परमानेंट डायपोल मूवमेंट हो। जिस समय हमारा मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा था उस समय जरूरी था कि उसके अंदर परमानेंट डायपोल मूवमेंट हो, बट जब हमारा मॉलिक्यूल इंफ्रारेड की प्रेजेंस में वाइब्रेट करेगा तो अब वाइब्रेशन के वक्त डायपोल मूवमेंट का चेंज होना जरूरी है। मतलब जो हमारा डायपोल मूवमेंट है वो वाइब्रेशन के वक्त हमारा टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। वो इन जनरल एग्जिस्ट, परमानेंट डायपोल करता है तो
नो प्रॉब्लम, बट अगर उसमें डायपोल मोमेंट नहीं भी है बट जिस समय वो वाइब्रेट कर रहा है तब डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया, देन इट विल बी इंफ्रारेड एक्टिव। तो इसके लिए हम एक ऐसा ही एग्जांपल देखते हैं, सपोज CO2। तो जो हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, इसमें हमारे जो तीनों एटम्स हैं वो लीनियरली प्लेस्ड हैं ऐसे, और बेसिकली इस मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो है, मतलब ये अपनी इस स्टेट में जैसे एग्जिस्ट करता है इसके अंदर कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं है, बिकॉज इसमें जो दो बॉन्ड मोमेंट्स हैं वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो हमारा जीरो है। लेकिन जब हम इसके ऊपर इंफ्रारेड डालेंगे तो तब ये वाइब्रेट करेगा, और जब ये वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशन के वक्त पॉसिबिलिटी है कि इसमें डायपोल मोमेंट जनरेट हो जाए और वो टाइम के साथ फ्लक्चुएट करे, तो ये मॉलिक्यूल इंफ्रारेड एक्टिव बन जाएगा। तो इसीलिए बेसिकली जब हम किसी मॉलिक्यूल में ये देखते हैं कि वो इंफ्रारेड एक्टिव है या नहीं है, तो हमें ये देखना होगा कि वो कितने तरीके से वाइब्रेट कर सकता है। तो ये हम कैसे देखते हैं, जैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टडी करते हैं, तो हमारे पास टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो किसी मॉलिक्यूल में होती हैं वो होती हैं 3 × n, n इज द नंबर ऑफ एटम्स, तो बेसिकली ये 3 एटम्स हैं, तो इसके अंदर जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है हमारे पास 9। अब 9 में जो हमारी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं वो होती है हमारी ट्रांसलेशनल, लीनियर मॉलिक्यूल्स में हमारे पास 2 रोटेशनल होती हैं, और जो हमारी बाकी बची वो हमारी 4 वो इसमें है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हम आगे देखेंगे कि हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल्स में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन की क्यों है, नॉन लीनियर में 3 की होती हैं, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए हमें ये देखना है कि जब हम CO2 की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर 4 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पॉसिबल हैं। अब हमें उन 4 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को देखना होगा कि उनमें से कौन सा इंफ्रारेड एक्टिव होगा, कौन सा इंफ्रारेड इनएक्टिव होगा, तो उसके लिए भी हम सेम तरीका देखेंगे। तो जो हमारा इन 4 में से पहला मोड है वो होता है हमारा सिमेट्रिक स्ट्रेच। अब देखिए आपका सिमेट्रिक स्ट्रेच में क्या होता है, सपोज आपके पास ये मॉलिक्यूल है, तो सिमेट्रिक स्ट्रेच में क्या होगा, जो आपके दोनों बॉन्ड हैं वो एक साथ स्ट्रेच करेंगे और एक साथ कंप्रेस करेंगे। तो सपोज इन्होंने पहले स्ट्रेच किया, ये दोनों इक्वल, ये है हमारा स्ट्रेचिंग, और फिर साइमल्टेनियसली इन्होंने कंप्रेस किया, तो कंप्रेस के वक्त क्या हुआ, ये ऐसे हो गया। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल 2 पॉजिटिव, ऐसे है इस मॉलिक्यूल में अगर हम चार्ज पार्शियल चार्ज फॉर्मेशन देखें। लेकिन जिस समय इसने सिमेट्रिक स्ट्रेच किया, एक साथ इसने स्ट्रेच किया फिर एक साथ इसने कंप्रेस किया, तो इस मॉलिक्यूल में स्ट्रेचिंग के वक्त भी जो इसका डायपोल मोमेंट था वो जीरो ही रहा, क्योंकि यहाँ पे आपकी बॉन्ड लेंथ इक्वली स्ट्रेच हुई, तो इसीलिए अभी भी जो आपका बॉन्ड मोमेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट है, और जिस समय इसने एक साथ कंप्रेस किया तो उस समय भी इसका जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो है, बिकॉज आपके जो दोनों बॉन्ड मोमेंट्स हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो इसीलिए सिमेट्रिक स्ट्रेच के वक्त बॉन्ड जो इसका डायपोल मोमेंट था वो जीरो ही रहा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ, तो इसीलिए जो हमारा सिमेट्रिक स्ट्रेच है उसे हम क्या कहते हैं कि सिमेट्रिक स्ट्रेच इज इंफ्रारेड इनएक्टिव। तो इन 4 में से जो इसका एक मोड ऑफ वाइब्रेशन है दैट इज सिमेट्रिक स्ट्रेच, वो हमारा इंफ्रारेड इनएक्टिव है क्योंकि इसमें चेंज नहीं हुआ। अभी आप इसका अगला देखिए, जो इसका अगला होता है वो होता है एसिमेट्रिक स्ट्रेच। अब एसिमेट्रिक स्ट्रेच में क्या होता है, सपोज आपके पास यहां पे ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, तो बेसिकली इसमें हम यहाँ पे एसिमेट्रिक स्ट्रेच अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमको रोटेट किया था वैसे हम यहाँ पे एसिमेट्रिक स्ट्रेच डाल रहे हैं। तो अभी क्या होगा, एसिमेट्रिक स्ट्रेच में आपका एक बॉन्ड स्ट्रेच होगा और दूसरा बॉन्ड आपका कंप्रेस होगा, इसीलिए उसे एसिमेट्रिक बोला गया है। तो क्या हुआ, आपका एक बॉन्ड तो स्ट्रेच हुआ और एक बॉन्ड आपका कंप्रेस हुआ। तो बेसिकली अगर अब इसमें हम डायपोल मोमेंट की स्टडी करें
तो डायपोल मोमेंट यहाँ तो आपका जीरो था, तो जीरो को मैंने ऐसे डॉट से स्पेसिफाई किया। फिर जब आपने इसे एसिमेट्रिक स्ट्रेच किया, तो अब यहाँ पे आपकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसमें डायपोल मोमेंट इधर की तरफ इसका ज्यादा होगा। तो इस वाले तरीके के एसिमेट्रिक स्ट्रेच में इसकी जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी। फिर वापस से ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा, तो फिर से इसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। फिर से अब जब ये एसिमेट्रिक स्ट्रेच करेगा तो इस बार ऐसे होगा, तो इस बार जो इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बनेगी वो आपकी ऐसे बनेगी। तो ये आपका डायपोल मोमेंट चेंज है विद टाइम। अब आप इसे स्टडी कीजिए, बेसिकली कॉम्पोनेंट ऑफ डायपोल विद टाइम। अगर अब आप इसे स्टडी करेंगे तो ये आपका यहाँ पे जीरो था, फिर ये आपका यहाँ पे आके बढ़ा, फिर यहाँ पे आपका जीरो हो गया, और ये फिर यहाँ पे आपका ये नीचे आया, और फिर आगे ऐसे जाएगा तो ये फिर जीरो पे होगा, फिर आगे जाएगा ये फिर इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें भी जो आपका डायपोल का कॉम्पोनेंट है वो टाइम के साथ फ्लक्चुएट कर रहा है, और इसका नेचर भी कैसा है, इसका नेचर भी सिमिलर है टू द नेचर ऑफ द ट्रेवलिंग वेव। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी इस CO2 मॉलिक्यूल पर इंफ्रारेड डालेंगे और वो एसिमेट्रिक स्ट्रेच करेगा, तो एसिमेट्रिक स्ट्रेच के वक्त उसका जो डायपोल का कंपोनेंट है दैट विल फ्लक्चुएट विद टाइम इन सच अ वे दैट इट विल इंटरेक्ट विद द इंफ्रारेड वेव। तो इसीलिए जो हमारा एसिमेट्रिक स्ट्रेच है दैट इज इंफ्रारेड एक्टिव। अब इसमें हमारे दो तरीके के वाइब्रेशन और बचे, तो एक्चुअली जो इसका तीसरा वाइब्रेशन है दैट इज बेंड। तो इसमें दो तरीके के बेंड होते हैं और जो डीजेनरेट होते हैं, मतलब बेसिकली वो अलोंग द टू डिफरेंट एक्सिस होते हैं बट वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो इसीलिए जो इसके दो वाइब्रेशन हैं वो हमारे बेंड हैं, तो एक को ही बताने से काम हो जाएगा बिकॉज वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं डीजेनरेट। तो जो हमारे इसका थर्ड एरिया वो है हमारा बेंड। अब बैंड में क्या होगा, हमारे पास ऐसे CO2 था, अब आपने इसे क्या किया, बैंड किया। तो सपोज आपने इसे ऐसे बैंड किया, तो ये तो हमारा हो गया एक्शन। एक्शन क्या है हमारा, बेंडिंग। फिर हम इसका क्या स्टडी करेंगे, डायपोल मूवमेंट। अब डायपोल मूवमेंट यहां तो आपका है वही जीरो, जब आपने इसे ऐसे बेंड किया तो बेसिकली डेल नेगेटिव इधर है, तो आपका जो बॉन्ड मूवमेंट है वो इधर बनेगा, तो आपका जो रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट होगा वो आपका कुछ ऐसे होगा। फिर ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आएगा, तो फिर से इसमें जो आपका डायपोल मूवमेंट है वो जीरो हो जाएगा। अब ये जो इसका बेंड है वो ऐसे हो सकता है, तो इसमें जो इसकी डायरेक्शन होगी डायपोल की वो आपकी होगी नीचे की तरफ। तो सिमिलरली इसमें आप जब डायपोल के कंपोनेंट को टाइम के साथ स्टडी करेंगे तो फिर से आप यहाँ पे थे, फिर आप ऐसे गए, फिर आप वापस से जीरो पे आए, और फिर आप अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड पर गए, और फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर से जीरो। तो बेसिकली इसमें भी आपको क्या मिला है, इसमें भी आपको डायपोल का जो कंपोनेंट है दैट इज फ्लक्चुएटिंग विद टाइम इन सिमिलर वे टू द ट्रेवलिंग वेव। तो इसीलिए जो आपका जो ये बेंडिंग वाइब्रेशन है CO2 के अंदर दैट इज ऑल्सो इंफ्रारेड एक्टिव। तो जब भी हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने भी तरीके की वाइब्रेशन मोड्स हैं वो मोड हमारा इंफ्रारेड एक्टिव भी हो सकता है और इंफ्रारेड इनएक्टिव भी हो सकता है, तो उसकी मेन कंडीशन यही है कि उसमें डायपोल मोमेंट में वाइब्रेशन के वक्त चेंज आया या नहीं आया। तो इसीलिए सपोज जैसे इसमें आपके यहाँ पे चार वाइब्रेशन मोड्स पॉसिबल थे, तो कुछ वाइब्रेशन मोड्स आपके इनएक्टिव होंगे, कुछ एक्टिव होंगे, तो जो आपके एक्टिव होंगे वो आपको स्पेक्ट्रा में दिखाई देंगे। अब हमें ये लग सकता है कि ये तो लिमिटेशन हो गई, जैसे जब हमने माइक्रोवेव देखा
तो माइक्रोवेव की आपकी क्या लिमिटेशन हो गई थी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की आपकी लिमिटेशन ये हो गई थी कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट ही प्रेजेंट होना चाहिए। सिमिलरली वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपकी ये लिमिटेशन हो गई है कि वाइब्रेशन मोड्स में आपका डायपोल मोमेंट का चेंज आना चाहिए, अगर नहीं आया तो वो पर्टिकुलर पीक आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसमें नहीं दिखेगी। लेकिन ये एक लिमिटेशन ही नहीं है, उसका ना दिखना भी एक फायदे की चीज है, बिकॉज आपको अगर कोई चीज दिख रही है वो तभी इम्पोर्टेंस की नहीं है। अगर आपको कोई चीज नहीं दिखी तो उसका ना दिखना भी हमें एक एक्सप्लेनेशन देगा। जैसे हम ये आगे जाके पढ़ेंगे कि सपोज हमें कोई पीक नहीं मिलती है तो उससे हम डिड्यूस कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रोसिमेट्री है या मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर है। जैसे आप माइक्रोवेव ही देखिए, सपोज आपको किसी मॉलिक्यूल का माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा नहीं मिलता है तो आप ये डिड्यूस कर सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी नहीं है, ये मॉलिक्यूल हमारा परमानेंट डायपोल मोमेंट कैरी नहीं करता है। तो ये लिमिटेशन भी हमारे लिए फायदे की चीज बन जाती है। अभी जैसे हमने यहाँ पे स्पेक्ट्रा देखा, तो स्पेक्ट्रा अब हमें ये पता चला कि जैसे हमारे ये टू एनर्जी लेवल्स हैं E1 और E2, तो बेसिकली जब भी हमारा कोई स्पेक्ट्रा हमें मिलता है तो उसके ब्रॉडली तीन रीजंस जनरली होते हैं। क्या क्या? या तो उस मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्प्शन, जिसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ते हैं, या फिर इमिशन हुआ है जिसे हम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ते हैं, या फिर जो हमारा इंसिडेंट फोटोन है वो स्कैटर हुआ है, इंसिडेंट फोटोन स्कैटर। अगर हमारा इंसिडेंट फोटोन स्कैटर हुआ है तो इससे भी हम एक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं और बेसिकली उसका ही नाम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज आपके पास यहाँ पे इस लेवल में आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है आपका मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली अज्यूम करती है कि यहाँ पे सपोज आपके एक इमेजिनरी लेवल्स हैं, मतलब काफी सारे यहाँ पे इमेजिनरी स्टेट्स प्रेजेंट हैं। तो जैसे ही आप मॉलिक्यूल को कोई एनर्जी दोगे, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कोई पार्ट आप उसके ऊपर डालोगे, तो वो मॉलिक्यूल आपका इस इमेजिनरी स्टेट्स में गया, और इमेजिनरी स्टेट से अगर वो सपोज वापस आया और जो आपका फोटोन वापस आया, वो फोटोन आपका मॉलिक्यूल वापस आया और आपका फोटोन स्कैटर हो गया, मॉलिक्यूल आपका वापस आया एक पर्टिकुलर स्टेट में और आपका जो फोटोन है वो स्कैटर हुआ, तो वो फोटोन जो स्कैटर हुआ है वो एनर्जी मॉलिक्यूल से ले भी सकता है और मॉलिक्यूल को एनर्जी दे भी सकता है। जो आपका फोटोन स्कैटर हुआ है अगर उसने मॉलिक्यूल से एनर्जी ली तो वो आपका हाई एनर्जी का फोटोन स्कैटर हो गया, और अगर उसने मॉलिक्यूल को एनर्जी दी तो वो आपका लोअर एनर्जी का फोटोन स्कैटर हो गया। उसी बेसिस पे हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन पढ़ते हैं। तो एक्चुअली रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है, स्कैटरिंग। अभी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो एक जनरल कंडीशन होती है जो मॉलिक्यूल्स को फॉलो करनी चाहिए वो होती है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी उसकी चेंज होनी चाहिए। जब भी रमन स्पेक्ट्रा कोई भी मॉलिक्यूल देगा तो उसकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी में चेंज आएगा जब आप उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे, जिसे हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो अभी ये मैंने एक ब्रीफ व्यू दिया कि हमें स्पेक्ट्रा कैसे मिलता है, किन वजह से मिलता है, एब्जॉर्प्शन, इमिशन और स्कैटरिंग की वजह से भी मिलता है, और मॉलिक्यूल को कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करे। तो अभी ये सिर्फ एक ब्रीफ व्यू था। अभी नेक्स्ट लेक्चर से आई विल डिस्कस माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी इन डिटेल। तो हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो माइक्रोवेव की मदद से पढ़ी जाती है उसे डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन श्योरली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।